सो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम पेज या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए ट्रेंडिंग वायरल रील्स बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस वाली वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बिकॉज इस तरीके की जो रील्स हैं वो अभी के समय पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। तो आप लोगों के पास मौका है कि इस तरीके की रील्स बनाओ और अपने पेज को, अपने अकाउंट को ग्रो करो। बाकी अगर आपको मजे के लिए बनानी है, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए बनानी है, तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बनाने कैसे हैं आइए यहाँ पर देख लेते हैं। सो हे गाइस, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल YT टैग पंकज में। तो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कहां पर, मोबाइल की स्क्रीन पर चलिए चलते हैं। ये भी ट्राई कर रहा था नया। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एंड आपको भी आ जाना होगा। और आने के बाद यहाँ पर आपको चार एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहला हमारा एप्लीकेशन होगा फेक ट्वीट वाला, आपको सिंपली फेक ट्वीट लिखना है, पहला एप्लीकेशन आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा हमारा हो गया गाइस पिक्सल लैब, ठीक है, आपको सर्च करना है पिक्सल लैब एंड ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको भी आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा हमारा एक अगला एप्लीकेशन है जिसका नाम है वीटा, ठीक है, ये सर्च मारो एंड आपको ये वाला एप्लीकेशन भी क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इन तीनों लिंक के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। अब हमारा जो चौथा एप्लीकेशन है गाइस, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है, आपको ये मिलता जाएगा प्ले स्टोर पर डाउनलोड नहीं करना है। मैं इसका जो मोड APK होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहां पर आपको सारे के सारे फीचर्स में देखने के मिल जाएंगे और कोई वॉटरमार्क नहीं आएगा, ठीक है ना। और इसका नाम है इनशॉट, ठीक है ना, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये हो। तो ये चारों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने का करने का आपको ओपन करना है फेक ट्वीट वाला ऐप, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद यहां पर आपको क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर हमने क्लिक करा। क्लिक कर लेने का यहां पर आपको इस लोगो पर क्लिक करना है एंड यहां पर आपको अपनी जो DP होगी सबसे पहले वो आपको यहां पर लगानी है। तो मैं अपनी जो DP है वो यहां चूज करूंगा, क्रॉप पर क्लिक कर लूंगा। देन यहां पर आप लोग क्लियर क्या करना है, अपना नेम लिखना है, जो भी आपका इंस्टाग्राम पर नेम है, ठीक है ना। तो मेरा नेम है पंकज कुमार एंड यहां पर आपको अपना यूजर नेम लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको कट करो एंड यहां पर अपना जो भी यूजर नेम है वो आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। मुझे मेरा यूजर नेम याद है तो मैं अपना यूजर नेम यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको लिखने पड़ेगी कोई शायरी, तो यहां पर हमने क्लिक करा एंड इसको मैं पूरा का पूरा यहां पर क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना। शायरी लिख लेने का, जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं दुनिया में लोग तो बहुत हैं, ठीक है, यह मैं यहां पर लिख दूंगा, डॉट लगाता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हार्ट वाला इमोजी लगा देंगे इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है ना। डन पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ऊपर यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर लेने का नीचे, और यहाँ पर देखो आपका ये हो सकता है कि डार्क मोड हो, ठीक है ना, तो आप लोग को इसको क्या करना है, अनटिक करना है ताकि ये आपका व्हाइट कलर का आ जाए। देन आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने का आप लोग क्या करेंगे, ऊपर इस तरीके से इसको सेलेक्ट करो, थोड़ा इसको नीचे कर लो क्रॉप इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉप कर लो, देन टिक पर क्लिक कर दो, इसको सेव कर लो, ठीक है। अब आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको साइज चूज करना है 1080x920। गाइस ये बहुत ही ईजी है, बस शुरू में थोड़ा हार्ड लगेगा, बाकी बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ इमेजेस दी हैं, ठीक है, आप लोग उन इमेजेस का यूज़ करना, जैसे कि मैंने ये वाली इमेज यहाँ पर चूज़ करी एंड यहाँ पर आपको 9:16 का रेशियो चूज़ करना है, ये देखो 5th नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको इसको पूरा इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है, इतना काम कर लो, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इसको लॉक कर देना है, ठीक है, लॉक पर क्लिक कर दो, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली प्लस पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर हम क्लिक करेंगे। अब हमने जो यहाँ पर इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करी थी, मतलब जो हमने फेक ट्वीट बनाया था, उसको हम चूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है, एंड इसको हम राइट पर क्लिक करके इस तरीके से सेटलमेंट कर लेंगे। अब इसको हमें जहां पर भी लगाना है वहां लगाएंगे, मैं यहां पर मिडिल में लगाना चाहता हूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लगा दिया। अब इतना काम करना है, इसको हम क्या कर लेंगे, यहां पर लॉक कर देंगे ताकि ये कहीं पर हिले ना। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग शेप्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब शेप्स पर क्लिक कर लेने का, यहाँ पर देखो नीचे ऑपेसिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा कम कर लो इस तरीके से, और क्या करना है आपको अपने फेक ट्वीट के ऊपर इस तरीके से इसको सेट करना है। साइड से आपको थोड़ी बहुत जगह छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, और इसको इस तरीके से पूरे पे सेट कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसका थोड़ा सा राउंड कर देना है, देखो कॉर्नर से ही थोड़ा सा राउंड हो चुका है, इतना कर लो। देन आपको इसकी ऑपेसिटी को इंक्रीज कर देना है, टिक पर क्लिक कर दो, ये आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर अगेन आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाले सेक्शन पे,
एंड यहाँ पर आपको इसको अनलॉक करना है फेक ट्वीट को, एंड नीचे देखो, एंड यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको इसको उठाना है और इस तरीके से आपको ड्रैग करके ऊपर ले जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले गया। अब जो आपको फेक ट्वीट था वो यहाँ पर ऊपर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको अगेन फिर से इस पर क्लिक करना है एंड नीचे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फर्स्ट सेकंड को चूज करो एंड नीचे देखो मर्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर ये आपका काम हो चुका है, आप कहीं पर भी इसको ड्रॉप करो, हिलाओ, कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर सेटलमेंट हो चुका है। अब आपकी इमेज पूरी तरीके से रेडी हो गई, इसको क्लिक करो, सेव एज इमेज पर क्लिक करो, यहाँ पर इसको वेरी हाई पर क्लिक करके सेव कर लो, ठीक है ना। तो ये इमेज हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हमें अगला काम क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर बीटा एप्लीकेशन में। बीटा एप्लीकेशन ओपन करो, यहाँ पर हम इसको रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें अपनी उसी वाली इमेज को चूज कर लेना है, देन हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारी इमेज यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसकी जो लेंथ है उसको 15 सेकंड तक इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर मैं इसको 15 सेकंड तक इंक्रीज कर लेता हूँ, 15 सेकंड से थोड़ा कम कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बैक चलना है और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट का, आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको ड्रैग करना है और यहाँ पर नेचर पर क्लिक करना है। नेचर पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको आना है बिल्कुल नीचे और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको मेटर टू वाला, ठीक है, ये वाला आपको चूज करना है और ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। टिक पर क्लिक करो, बैक आ जाओ और इसको पूरे को पूरे पर इसको इस तरीके से सेट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर वीडियो एंड तक हम इसको सेट कर लेते हैं, तो ये देखो हमारा पूरे तरीके से सेट हो चुका है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, हमें बस इतना ही इफेक्ट यहाँ पर देना था। आप लोग चाहें तो यहाँ से म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, तो म्यूजिक मैं यहाँ पर उसमें जाकर के ऐड करूंगा इनशॉट में, फिलहाल अभी हम इसको इतना रहने देते हैं। अब हमें बैक चलना है और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ये वीडियो हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब हमें यूज पड़ने वाला है इनशॉट एप्लीकेशन का, ठीक है ना। तो वो भी मैंने आपको क्या करा था, डाउनलोड करवा लिया था। अभी कैसे को आपको क्या करना है, आपको इसका जो वॉटरमार्क होगा वो आपको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो वीटा वॉटरमार्क आ रहा है, ये ऑन होगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। देन बैक चलो एंड अभी हमें चलना है कहाँ पर, इनशॉट में आ जाओ, इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करो एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर हमें क्लिक करना है, ओके। अब हमने जो वीडियो यहाँ पर अभी बनाई है उस वीडियो का हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इफेक्ट देना है, ठीक है ना। पहले आप लोग यहाँ पर कैनवास पर क्लिक कर लीजिएगा, फर्स्ट पर आ रहा होगा कैनवास, यहाँ पर आपको 9:16 का रेशियो चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिल्टर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है ग्लिस पे, देन लास्ट वाला जो फिल्टर है उसको चूज करना है एंड इसको बिल्कुल आपको ऑफ कर देना है, क्या कर देना है, बिल्कुल बंद कर दो, लास्ट में ले आओ इस तरीके, ठीक है ना। अब प्ले करके देखो, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आप लोग चाहें थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने इतना इंक्रीज कर लिया, टिक पर हमें क्लिक करना है और इसको हम पूरा क्लिक करके क्लिप एंड तक इसको ले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये काम हमारा हो चुका है, अब हमें म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक पर हम क्लिक करेंगे, म्यूजिक प्लस पर क्लिक करा, माई म्यूजिक पर क्लिक करा, यहाँ पर मेरा खुद का एक म्यूजिक यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है, ये वाला, ये हमने चूज करा, यहाँ पर यूज पर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैंने स्पीड पर क्लिक करा, लास्ट वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर कितना बेहतरीन ये लगेगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, टिक पर क्लिक करना है, ऊपर सेव पर क्लिक करना है, यहाँ पर रेजोल्यूशन चूज कर लीजिएगा, सेव पर क्लिक करके आप लोग उसको सेव कर लीजिएगा एंड ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो अपनी रील्स है फेक ट्वीट वाली वो क्रिएट कर सकते हैं एंड अभी के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग मतलब ऐसी रील बनाओ, अपलोड करो अपने उस पर इंस्टाग्राम पर, खूब ज़्यादा ग्रो करो, ठीक है। ये देखो हमारी रील्स वीडियो यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, एक सेकेंड, ये तो मतलब खाली वाली थी, ये आ गई, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये बन चुकी है, अब इंस्टाग्राम पर जाकर के सिंपली अपलोड किस तरीके से करना है आप लोग जानते होंगे। बाकी अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।